हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमितास किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चोको वॉलनट केक की रेसिपी। आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसको बना रही हूँ घर के वाइट बटर में। तो मैंने ये लिया 3/4, जो आप जिस भी मेजरमेंट से बना रहे हो, जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें 3/4 कप ये ले लिया है। और 2 टेबल स्पून मैंने चोको कोको पाउडर लिया है। और एक जो भी मेजरमेंट, जैसे 3/4 मैंने वो मक्खन लिया था, तो एक भर के वही बाउल, जिस मेजरमेंट को आप यूज़ करें, एक भर के पूरा ये मैदा लिया हुआ है मैंने। और ये 2 अंडे लिए हुए हैं मैंने। और ये देखिए, थोड़े से चोको चिप लिए हुए हैं इसमें डालने के लिए। और ये बेकिंग पाउडर हो गया, ये ज़्यादा है, मैं एक लेवल में डालूंगी, 1 टीस्पून आपको बता दूंगी। ये वॉलनट्स है। और ये शुगर है पीसी हुई, ये मैं कॉफ़ी डालती हूँ 1/4 स्पून। और ये एक सॉल्ट डालती हूँ, 1 पिंच सॉल्ट। और ये वनीला एसेंस हो गया। चाहे आइए मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले हम ये वाइट बटर लेंगे और इसको डालेंगे। ये अभी हम करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, विंटर सीजन है तो थोड़ा सा ये। और इसके साथ इसमें हम ये डाल देंगे, ये शुगर डाल देंगे सबसे पहले। उसको हम विस्क से थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। ये देखिए, डालते ही देखिए अच्छे से हो गया है। चलिए, हमने बटर और शुगर को किया है सबसे पहले। अब इसके बाद हमने ये जो हमने देखिए मैदा लिया हुआ था एक, इसको हम डालेंगे स्ट्रेनर में। और इसके साथ डालेंगे ये बेकिंग पाउडर लिया हुआ था, इसको 1 टीस्पून देखिए लेवल में इतना ये इसमें साथ डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्सर फिर से कर लेंगे। अब हम इसमें ये एग जो हमने बीट करके रखे थे, अब हम वो डाल देंगे। वाइट बटर डाला है हमने ना, विंटर सीजन है तो थोड़ा सा वो हार्ड हो रहा है। अब देखिए परफेक्ट हो जाएगा। देखिए, हमने एग मिक्स कर दिए थे, अब हम इसमें ये कोको पाउडर जो हमने 2 टेबल स्पून लिया था उसमें ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें ऐड कर लिया है। इस टाइम पे हम इसमें ये डाल देंगे, ये कॉफ़ी ली हुई थी हमने, जो ज़रा सी थोड़ी सी डालनी है फ्लेवर के लिए। और ये जो हमने 1 पिंच सॉल्ट लिया हुआ था, ये देखिए इसमें सारा ये अंदर आ जाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए एक स्पून यूज़ कर लेती हूँ, इसे अच्छे से बीट कर लेती हूँ। और हमें एक ही डायरेक्शन में बीट करना है, ये नहीं कि आपका पहले एक राइट साइड कर रहा है फिर आपने लेफ्ट साइड कर लिया। इसको इसी तरीके से बीट करते रहना है। इसको देखिए, हमने 5 मिनट बीट कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसमें डाल देंगे ये देखिए वनीला एसेंस लिया हुआ था हमने, इसकी 7-8 ड्रॉप्स डाल देंगे इसके अंदर। और इसको फिर अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको कर दिया है, ये देखिए इसमें हवा भर गई है। ये देखिए बीट एक ही डायरेक्शन में। अब हमें लग रहा है ये थोड़ा सा बेटर, थोड़ा सा थिक है, तो हम इसमें थोड़ा सा अराउंड 1 टेबल स्पून अराउंड इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे। थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बेटर ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। ये देखिए, इसको हल्का हल्का सा एक ही डायरेक्शन में करना है, बस आप केक बनाते समय ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इसमें हवा भरनी चाहिए, उतना ही केक मुलायम बनेगा, उतना ही स्पॉन्जी बनेगा केक आपका। देखिए परफेक्ट है बेटर केक के लिए। हम इसको 5 मिनट तक ऐसे ही बीट कर लेंगे केक को।
ये देखिए मैंने कर लिया, 5 मिनट तक इसको बीट कर लिया। अब हमें इसमें डालने हैं ये वॉलनट्स। अब वॉलनट्स हम ऐसे डालेंगे तो नीचे जाके बैठ जाएंगे ये तह पे। तो हम इसमें थोड़ा सा ये जो हमने मैदा लिया हुआ था, थोड़ा सा मैदा हम इसमें ये डाल के इनको हिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए वॉलनट्स को, जिससे वो नीचे नहीं बैठेंगे। ये देखिए इस तरीके से डाल के मिक्स कर लिया हमने। अब वॉलनट्स को इसमें मिक्स कर देंगे हम। अब इसके बाद फिर एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम हिला रहे थे, एक ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बस अब हमारा बीट हो चुका है। ये देखिए अब इसको हम बेकिंग डिश में, जिसमें भी आपने करना है, आपके पास बेकिंग डिश है, बोरोसिल डिश है, जिसमें भी करना है, अब हम उसमें इसको सेट कर देते हैं। देखिए मैं इस डिश में केक करने जा रही हूँ बेक, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल या बटर लेंगे। आप इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसको देखिए हर चारों तरफ से आप बटर पेपर है, अभी मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही कर लूँगी ग्रीस। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसमें ये जो मेरे पास पड़ा हुआ था मैदा, मैं इस पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर चारों तरफ। जिससे कि केक चिपकेगा नहीं और इजीली निकल आएगा। चारों तरफ से अच्छे से कर दिए। अब हम इसको ये देखिए इस तरीके से लेंगे। ये देखिए अब हम अच्छे से हमने इसको कर लिया। अब हम इसमें ये जो केक का बैटर है इसमें ट्रांसफर कर देंगे। सारा इसमें ट्रांसफर कर देंगे अभी थोड़ा सा इसको। देखिए हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया है और थोड़ा सा सेट कर देंगे हिला के, बाकी से ही ये ओटीजी में जाएगा। तो साइड से सारा हम इसको क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद हमें इसमें डालना है चॉको चिप्स। हम ऊपर से आपको जितना चाहिए ऊपर से चॉको चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए चॉको चिप कर दिया और इसके ऊपर से ये वॉलनट से इनको हल्का हल्का सा, ये जो हमारा था इसमें हल्का सा से करके, ये देखिए वॉलनट लगा देंगे। ये देखिए अब हमारा इस हो गया है, ओटीजी में जाने के लिए तैयार है। अब हम इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अराउंड 35 टू 40 मिनट्स लगेगा इसको, तो हम इसको 35 मिनट्स बाद चेक कर लेंगे। और कोई भी स्पून वगैरह आप डाल के या नाइफ डाल के चेक कर लीजिएगा, अगर वो स्टिक नहीं हो रहा होगा उसमें तो डैट मीन्स हो गया। मैं आपको बताती हूँ अभी अभी मैं इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए हमारा बेक हो गया है, मैंने इसको 35 मिनट्स तक बेक कर रहा था। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हम इसके लिए देखिए टूथपिक लिए है मैंने, टूथपिक को आप कहीं बीच में डाल के देखिए, या आप नाइफ भी यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल कहीं पर भी कुछ स्टिक नहीं हुआ है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है टूथपिक, दैट मीन्स कि केक परफेक्टली बेक हो गया है। अब हम इस केक को निकाल लेते हैं। हम साइड से देखिए, अब इसको निकालने के लिए आप नाइफ यूज करेंगे, यहाँ साइड्स में चारों तरफ से अंदर से। ये देखिए चारों तरफ से इस तरीके से, पहले कि अगर जब हम निकालें तो साइड से केक ना टूटे ना चिपक के। ये देखिए साइड से चारों तरफ से हम इस तरह से नाइफ चला लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथ यूं रख के, देखिए प्लेट में जिसमें हमने निकाला है
हल्का सा इसको बहुत इजीली निकल आता है। ये देखिए हमारा केक, ये देखिए पूरा अच्छे से ये हमारा केक देखिए बेक हो गया है। चोको वॉलनट केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे आइसक्रीम चॉकलेट सॉस के साथ। आइए मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मैंने इसको सर्व कर दिया है, मैंने इसको वनीला आइसक्रीम चॉकलेट सॉस ऊपर से थोड़ी सी चोको चिप्स स्प्रेड करी हुई है। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसको देखिए, इसको ट्राई करिए, बनाइए और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको। बहुत ही ईजी और इंस्टेंट बनने वाला केक है ये, और घर में ही आपके सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो इसको देखिए, बताइए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।